नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों आज है हरितालिका तीज। आज के दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो मैंने भी व्रत रखा हुआ है, तो हमने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूं। तो इस बार मेरा ससुराल में पहला तीज व्रत है, और पिछला वीडियो जो जन्मदिन का मैं अपलोड की थी उसमें हमारे पति देव जो भी गिफ्ट दिए थे आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप उस गिफ्ट को खोल कर दिखाइए, तो मैं आज उस गिफ्ट को आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए चलते हैं। गिफ्ट को खोलकर देखते हैं कि आखिर में इसमें है क्या। साड़ी है, मुझे पता था अगर साड़ी है तो रेड कलर का होगा, क्योंकि इनको रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है। साड़ी बहुत ही सुंदर है, ये देखिए इसी तरह से साड़ी है। चलिए मैं साड़ी को खोलकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने हरितालिका तीज व्रत के लिए पूजा की तैयारियाँ कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर हम थाली में दीपक, सिंदूर और कुछ फूल है, और धूप, पान का पत्ता, सुपारी और आम का पत्ता भी लिए हैं। तो यहाँ पर मैं कलश में थोड़ा सा पानी और एक सिक्का, आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डालिए, नहीं तो नॉर्मल सिक्का जो होता है उसे डाल के, और हल्दी भी इसमें रहता है। तो यहाँ पर मैं कलश रख दी हूँ और इस पर दीपक भी जला दी हूँ, और सबसे पहले मैं गणेश भगवान की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पान के पत्ते पे गौरी और गणेश को बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं इनको गंगा जल से पवित्र करती हूँ, और इसके बाद अच्छा चढ़ाती हूँ फूल और चावल का। पहले गौरी और गणेश की पूजा करने के बाद शंकर जी की पूजा करूँगी, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। तो गौरी और गणेश और कलश का भी पूजा मैं कर चुकी हूँ, अब मैं शंकर जी और पार्वती की पूजा करती हूँ। तो शंकर जी और पार्वती को भी मैं पवित्र कर दी हूँ और अक्षत और फूल चढ़ाती हूँ। इसके बाद जो है कि चंदन का टीका लगाती हूँ। फिर इधर देखिए पार्वती जी को श्रृंगार का सामान मैं चढ़ा दी हूँ, और अगरबत्ती जलाकर पूजा करती हूँ। दोस्तों हरितालिका तीज व्रत के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने सब सामान अच्छे से तैयार करके रख ली हूँ। इसमें बहुत सारा सामान लगता है और बहुत कठिन व्रत भी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया जाता है, शाम को पूजा करने के बाद पानी पिया जाता है और व्रत को तोड़ा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम सिंघाड़ा का हलवा भी बनाए हैं और कुछ फल लिए हैं, फल भी चढ़ाते हैं गणेश जी को और गौरी जी को, साथ में शंकर भगवान और पार्वती को भी फल चढ़ाएंगे।
भगवान जी को सब कुछ चढ़ाने के बाद आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद शिव जी की, फिर पार्वती जी की। दोस्तों, आरती करते समय आप अपने परिवार वालों को भी शामिल करें। तो यहाँ पर मैं आरती कर चुकी हूँ, इसके बाद गंगा जल से 5 बार जल को घुमाते हुए पूजा करूँगी। अब मैं हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि हे भगवान, हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी भूल चूक हुई है, उसे माफ़ करिएगा और हमारे परिवार, हमारे पति की रक्षा करिएगा। सुबह 4 बजे भोर में माता पार्वती को गुझिया चढ़ाया जाता है। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और ये देखिए जल से शुद्धिकरण करती हूँ गणेश जी और गौरी जी को, इसके बाद कलश को, फिर शिव जी और पार्वती को भी। अब मैं माता पार्वती को गुझिया चढ़ाती हूँ। गुझिया चढ़ाने के बाद एक दीपक भी जलाऊंगी। और इसके बाद माता पार्वती की आरती करूंगी। आरती करने के बाद मैं हवन करूंगी। तो कपूर जला दी हूँ और अच्छत टीका लगाती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं हवन सामग्री ली हूँ, इसमें गुड़ और घी भी मिलाई हूँ। तो चलिए हवन शुरू करते हैं। तो इस तरह से 5 बार हम हवन करेंगे। और इसके बाद रक्षा सूत्र भी रख देते हैं। अब जो सिंगार का सामान चढ़ाई हूँ, इसमें से मैं सुहाग ले लेती हूँ, एक बिंदी और एक चूड़ी भी पहन लेती हूँ। पूजा करने के बाद सुहाग लिया जाता है। तो इस तरह से हमारी पूजा समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पूजा करने के बाद मैं सिंघाड़ा का हलवा बनाऊंगी। तो हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ सिंघाड़ा का आटा और ये है चीनी, और यहाँ पर मैं 2 चम्मच देसी घी ली हूँ और ये है दूध। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चूल्हे में आग जलाऊंगी। अब चूल्हे पे रखती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से पोंछ देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। घी को गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी सिंघाड़ा का आटा। आटा डालने के बाद मैं इसे बराबर चलाती रहूंगी, नहीं तो तली में चिपकने लगेगा और आटा भी हमारा जल सकता है। तो धीमी आंच पर हम इसे चलाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो ये देखिए सिंघाड़ा का कलर चेंज होने लगा है धीरे धीरे। अभी इसे हमें और भूनना है। तो ये देखिए अच्छे से भून चुका है, इसका कलर बिल्कुल अलग हो गया है आटा से।
अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, पहले चीनी डालूंगी नहीं तो गुठली बन जाएंगे इसमें। तो चीनी डालकर मैं अच्छे से इसे चला देती हूँ ताकि इसमें गुठली ना बने। ये देखिए अच्छे से चला दी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी दूध, दूध को डालते हुए इसे चलाती रहूंगी नहीं तो इसमें गुठली बन जाएंगे। ये देखिए दोस्तों अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो गया है, अब इसमें गुठली बिल्कुल नहीं है। हमें इसे धीमी आंच पर बराबर चलाते रहना है। देखिए दोस्तों हलवा हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। तो मैं इसे बराबर चलाती रहूंगी। सिंघाड़ा का हलवा हमारा बनकर तैयार है, अब मैं इसे चूल्हे से नीचे उतारूंगी। यहाँ पर मैं एक थाली ली हूँ, इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी। अब मैं इसमें हलवा को निकालती हूँ। थाली में मैं हलवा को अच्छे से फैला दी हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से फैला चुकी हूँ। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए मेरी भाभी की बच्ची भी है मेरे साथ। तो हलवा ठंडा हो गया है, अब मैं इसे चाकू से पीसेस में काट लेती हूँ। ये हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, व्रत में खाया जाता है, तीज के व्रत में तो जरूर खाया जाता है सिंघाड़े का हलवा। ये देखिए एकदम बर्फी जैसा पीस तैयार हुआ है और इधर बच्ची खाने के लिए जिद कर रही है, तो मैं इसे खिलाती हूँ, देखिए कितनी खुश है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत